अयोध्या की भदरसा रेप कांड को लेकर अब तक खामोश समाजवादी पार्टी ने शनिवार को अपनी चुप्पी तोड़ी। समाजवादी पार्टी ने बेटी के साथ हुई रेप की घटना को दुखद और निंदनीय बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सपा नेताओं ने कहा कि ये दोष सिद्ध होने तक किसी भी सपा नेता का उत्पीड़न न किया जाए। साथ ही सपा ने बुलडोजर और चेयरमैन भदरसा पर दर्ज केस को गलत बताया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पीड़ित बिटिया के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उचित सुरक्षा व रक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भदरसा चेयरमैन मोहम्मद राशिद और सपा नेता जय सिंह राणा अपने परिवार से मिलने जिला महिला अस्पताल गए थे और उन पर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने जानकारी दी। संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। भदरसा में एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, बिटिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। समाजवादी पार्टी उस घटना की घनघोर निंदा करती है। समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ है। जिस बच्ची के साथ यह दुर्व्यवहार हुआ है, समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने ये दुर्दांत वारदात को अंजाम दिया, गलत काम किया, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर केवल यादव और मुस्लिम लोगों को न फंसाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कभी भदरसा का चुनाव नगर पालिका का नहीं जीत पाई, अयोध्या में लोकसभा का चुनाव हार गए। तो इस खींच को मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं का उत्पीड़न न किया जाए, उन पर फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाए, इस बात की समाजवादी पार्टी मांग कर रही है। हमारी बात स्पष्ट है कि जो पीड़ित है परिवार के साथ पूरी पार्टी है, जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन दोषी को सजा दिलाने की आड़ में पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न न हो। जो अयोध्या में अभी 1.5 साल पहले घटना हुई थी, ब्राह्मण परिवार की बच्ची थी 7 साल की, जिसके साथ दुराचार हुआ था, खाकी अखाड़ा अयोध्या, वो बच्ची मेडिकल कॉलेज में जीवन मरण के बीच में रही, 3-4 उसका ऑपरेशन हो चुका, एकाध ऑपरेशन होना बाकी है। जो उसके अपराधी थे, जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया था, उनके मकान पर बुलडोजर चला योगी जी का, क्या कार्रवाई हुई? जो उसके अपराधी थे, जिन्होंने उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया था, क्योंकि योगी सरकार के विधायक और लोग उसको बचा रहे थे अपराधियों को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार का चरित्र है। दूसरा मुद्दा, सरमीम स्कूल लड़की ने सुसाइड किया, प्रबंधक जेल भेज दिए गए, यादव जी थे, बाद में जब खुलासा हुआ निर्दोष पाए गए, बरी हो गए, बाहर आ गए। क्यों प्रशासन तेजी पकड़ा? यादव जी थे। अभी गोमती नगर में पानी बरसा, गोमती नगर में हुड़दंग हुआ। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, मैंने अपने पेज पर लिखा है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, किसी अपराधी को धर्म और जात के आधार पर नहीं देखना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, गुनाहगार गुनाहगार होता है, गुनाहगार पंडित ठाकुर यादव मुसलमान नहीं होता, गुनाहगार गुनाहगार होता है, गुनाहगार की कोई जात नहीं होती। इसको मैंने पहले कहा और आज भी कह रहा हूं। लेकिन जब मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ सदन में भाषण दे रहे थे, तो उन्हें केवल पवन यादव और अरबाज याद आए, बाकी जो 17-18 पंडित थे, यादव ठाकुर थे, ब्राह्मण थे, बनिया थे, अन्य बिरादरी के जो 17-18 लड़के थे, उनका नाम, उनकी सूची योगी जी के पास नहीं थी, केवल 2 नाम था। तो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है और भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार यादव और मुस्लिम बिरादरी के साथ कैसा है, वो इस बात को दर्शाता है। बीएचयू में घटना हुई, आज सारे लोग बहुत बड़ा अपराध दिखा रहे हैं। बीएचयू में घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल
भारतीय जनता पार्टी आई, लोगों ने बीएचयू में दुर्दांत अपराधी की तरह उस बिटिया के साथ अपराध किया। उन अपराधियों की फोटो, जिन्होंने अपराध किया था उनकी फोटो देखिए। पहली फोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। यह बीएचयू कांड का दुर्दांत अपराधी है, उस सामूहिक दुराचार का, इसकी फोटो योगी आदित्यनाथ जी के साथ। दूसरी फोटो देखिए किसके साथ है, देश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, स्टूल मंत्री के साथ। तीसरी फोटो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर दुर्दांत अपराधी बीएचयू कांड का। चौथी फोटो ये जात पूछने निकले हैं, पूरे देश में सबकी जात पता कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर इनके साथ बलात्कार का आरोपी इनके साथ। पांचवी फोटो स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो ये सारे जितने बलात्कारी थे बीएचयू कांड के, किसके घर पे बुलडोजर चला? क्यों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय भी तो योगी आदित्यनाथ थे, क्यों नहीं कार्रवाई की, क्यों नहीं कार्रवाई की? तो हमारा तो ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जो भदरसा कांड है, जो 70 साल के मोहित पकड़े गए हैं, सरकार को चाहिए कि सर्वलांस से जुड़ी हुई जितने भी साक्ष्य हैं वो इकट्ठा करें, CDR निकलवाए, लोकेशन इकट्ठा करें। अगर वो उस बच्ची से मिलते थे तो लोकेशन मिलना चाहिए, DNA टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, जितने तरह के साक्ष इकट्ठा हो सकते हैं सर्विलांस के द्वारा, मोबाइल के तथ्यों द्वारा, DNA टेस्ट द्वारा, वो सारे टेस्ट हो, अगर मोईद उसमें दोषी पाए जाए तो फांसी दे दी जाए। लेकिन अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो जो उनके घर पे कार्रवाई हो रही है, जो उनका सामाजिक रूप से उनको किया जा रहा है, फिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? दूसरी घटना, भदरसा के चेयरमैन है राशिद, उनके ऊपर कल रात में मुकदमा लिख दिया गया। जयसिंह राणा के भाई की छोटी बहू एडमिट है जिला महिला अस्पताल में, नैना नाम है उसका, नैना यादव। जयसिंह यादव के छोटे भाई की पत्नी नैना यादव जिला महिला अस्पताल में एडमिट है 27 तारीख से। ये उसका कागज है जिला महिला अस्पताल का, ये उसका सारा कागज है, सब उसके प्रमाण है, ये सब उसके प्रमाण है। अब आप सोचिए कि इतनी गुंडागर्दी आ रखता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि खुन्नस निकालने के लिए जयसिंह राणा और उनके हमारे चेयरमैन पर राशिद पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया धमकाने का। भाई मैं मांग कर रहा हूं DM कप्तान महिला अस्पताल का CCTV फुटेज निकलवा ले, अगर जयसिंह राणा और राशिद ने किसी को धमकी दी हो, उनके परिवार किसी को धमकाया हो, तो मुकदमा लिख के कार्रवाई करो। लेकिन किसी से नहीं मिले, CCTV फुटेज अगर निकालेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा कि जयसिंह राणा रात में अपनी पत्नी और अपने बिटिया को लेकर के घर वापस जा रहे हैं अस्पताल से। भाई छोटे भाई की पत्नी एडमिट है तो जाहिर सी बात है बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई की पत्नी के अस्पताल में सेवा करेगी, देखरेख करेगी। अब अगर सेवा करना देखरेख करना अपराध है भाजपा सरकार में, तो महिला अस्पताल पूरा सील कर दें, कह दें खाली एक बच्ची वहां एडमिट रहेगी, जितने बाकी मरीज हैं सबको भगा दिया जाए, कोई जाएगा नहीं अस्पताल में। तो ये तो मनबड़ाई है, ये तो सरकार आक्रांता की तरह काम कर रही है, और समाजवादी पार्टी इस आक्रांता पूर्ण बर्बर पूर्ण कार्य की निंदा करती है कि आप जिस पर चाहेंगे मुकदमा लिख देंगे, परेशान करेंगे, ये गलत बात है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है, और राशिद भाई चेयरमैन पर, जयसिंह पर जो मुकदमा लिया गया, लिखा गया, हम चाहते हैं इस पर फाइनल रिपोर्ट लग के इसको सरकार खत्म करे प्रशासन यहाँ का, ये गलत बात है। और अधिकारियों से भी कहेंगे, सरकारें आती जाती रहती हैं, आप निष्पक्ष काम करिए। अगर हम दोषी हैं, हमने गलत किया है, बिल्कुल आप मुकदमा लिखिए, कार्रवाई करिए, जेल भेजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम ना करिए। आप भारतीय के एजेंट मत बनिए, आप प्रशासन की तरह काम करिए, पूरा सहयोग करेंगे, चूं नहीं करेंगे आप ही कार्रवाई पर। लेकिन अगर आप एजेंट बनकर काम करेंगे तो अपनी आवाज को मुखर करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं भदरसा कांड में, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है, लेकिन जांच होनी चाहिए, DNA जांच, नार्को टेस्ट और सर्विलांस की जितनी भी तरह की जांच हो सकती है
भाई उस लड़की से बात करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे, जब पुराना मामला है दो ढाई साल दो ढाई महीना, तो कुछ तो बातचीत हुई होगी। अगर दोनों लोग एक हुए होंगे तो लोकेशन तो मिलेगी उस समय की। ये सारी चीजें प्रशासन को निकाल करके सारे साक्ष्य रखने चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या पीड़ित परिवार के साथ शादी पार्टी, अब देख लो कल जब अपने परिवार से मिलने गए तो मुकदमा लिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी तो आक्रांता की तरह उनके सरकार काम कर रही है। अब अगर आप मीडिया वाले इस बात का वो ले लो दवा, आप डीएम कप्तान से बात कर लो कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है, और वो कह दें कि हम मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, तो अभी हम चलने को तैयार हैं। हम बिल्कुल बात करना चाहते हैं, हमारी संवेदनाएं हैं पीड़ित परिवार के साथ। हम इंसान हैं, और हर वो इंसान जिसके घर में माँ बहन बेटी होगी वो दुखी होगा। कोई नहीं चाहता कि किसी बेटी के साथ ऐसा अपराध हो, हम भी नहीं चाहते। हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे नेता तो हमेशा इस मुद्दे पर संवेदनशील रहे हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान होना चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं आप बात कर लो डीएम कप्तान से, वो हमको ले चले मिलवा दें उस पीड़ित परिवार से। हम मिलना चाहते हैं, हम उनकी बात सुनना चाहते हैं, हम उनके दुख में उनके साथ खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मानवीय संवेदनाएं जिंदा हैं। हम प्रमोद किसान की तरह राजनीति नहीं करना चाहते। ठीक।